वेलकम बैक टू द राइडर नेशन। मेरा नाम है राइडर, आप लोग देख रहे हैं राइडर नेशन। फ्री फायर आ चुका है नया टॉप ऑफ जिसे करके दिखाने वाला तुम्हारा बाइक कंप्लीट और पूरा रिवॉर्ड बाइक कसम से बता रहा हूँ। ओपी गन स्किन टॉप अप में आइए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे देख सकते हो 100 डायमंड टॉप अप करने पे मिलता है आपको एक लोड बॉक्स जिसमें एनिमेशन नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें एनिमेशन रहता तो अच्छा रहता, और इसका हम लोग गिव अवे कराएंगे, टेंशन मत लो। इस लोड बॉक्स का सबको मिलेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे 500 डायमंड टॉप अप करने पे आपको ये परिशिया वाली GAT परमानेंट देखने को मिलेगी जो काफ़ी OP है, ठीक है। और इसका ट्रायल आप लोग ने लिया होगा। ट्रायल कैसे मिलता है आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पे मिशंस में जाते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी जो मिशन होता है ना, तो यहाँ पे जो बॉक्स होता है इसमें मिल रही थी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो उसमें आपने ट्रायल लिया होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, मैं इस टॉप अप इवेंट को पहले कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद जैसे पूरा रिव्यू और गेम प्ले छोटा सा ट्राई करेंगे GAT का क्या गेम प्ले होता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो यस चलो यार, पहले मैं टॉप अप कर लेती यार, तब तक तुम रुको जरा, सब्र करो। डायमंड आ गया हमारे अकाउंट में और टॉप अप हो गया कंप्लीट। अभी बात है आइटम क्लेम करने की, ठीक है। तो 100 डायमंड आप टॉप अप कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा लूट बॉक्स, ठीक है। और ये OP नहीं है, एनिमेशन नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ अभी गिव अवे कराता हूँ। लाइव कस्टम रूम्स होंगे तो ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। और मैं डेट जो है कम्युनिटी पे डाल दूंगा, तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करना ज़रूरी है यार। तो ये देखो यार OP वाला है, तो ये वुडन हॉर्स है, इसका भी रिव्यू करता हूँ क्योंकि इक्विप मार लेता हूँ मैं पहले। और यहाँ पे गाइस 500 डायमंड टॉप अप करने पे आपको एक परमानेंट GAT की स्किन मिलती है। तो हम लोग से लोग कन्फर्म कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई गॉट परमानेंट गाइस। यहाँ पे GAT प्रोवेस परेशिया प्रोवेस, ठीक है। बहुत OP गन स्किन है, ठीक है। इसे भी हम लोग इक्विप करेंगे और यहाँ पे हमारा देख सकते हो टॉप अप इवेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। डायमंड्स भी ले लिया। अब चलो यार रिव्यू की बारी आती है। तो हम लोग सबसे पहले लिया था 100 डायमंड टॉप अप करने पे एक लूट बॉक्स गाइस, जो ये वाला लूट बॉक्स है, ठीक है। नॉर्मल लूट बॉक्स है, ज़्यादा कुछ एनिमेशन नहीं है। घोड़ा है, घोड़े की काठी पे घोड़ा है, काठी वाला घोड़ा है, ठीक है। और उसमें यार तलवार लगाई है, खजाना खुला हुआ है, लेके भग जाओ यार और डायमंड वायमंड खरीद के टॉप अप वॉप कर लो यार, क्या ही टेंशन लेते हो यार, कूल प्रैंक हो जाओ ब्रो यार। ये दबता भी नहीं है भोपाली का, आ जाओ यार। अभी पिस्टल में चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास पहले से है, मैंने ली थी परमानेंट निकाली थी, तो बहुत दिन तक साथ दिया, ठीक है। जिसमें भी रेंज माइनस है, दोनों में सेम एट्रीब्यूट्स है, नहीं इसमें रेंज प्लस है गाइस और डैमेज प्लस है। और माइनस क्या है, रिलोड स्पीड। मतलब गाइस ठुइया घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, गन में रेंज और डैमेज प्लस हो रहा है भाई। सबसे OP और खतरनाक GAT भाई, अभी इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता भाई। ये बहुत खतरनाक है, क्रिमिनल के हाथ में पकड़ लो यार, एकदम कट्टा एकदम ठाए। अभी खोपड़िया खोल देंगे भाई क्लैश स्क्वाड में, जो पहला राउंड होता है ना OP हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये तो हो गया यार, मस्त गन दिख रही है। अब थोड़ा सा यार जब तक गेम प्ले ना करे यार, तब तक रूपा का पारो के साथ मिलन जुलन नहीं होता है, समझ रहे हो। और टेंशन मत लो, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। और क्या है GAT का गेम प्ले बनाने में थोड़ा सा लगेगा, कुछ ही शॉर्ट्स बना पाऊँ, लेकिन यार समझने की कोशिश कर लेना मेरे भाई। चलो यार चालू करते हैं, आ जाओ। तो गाइस आ गया मैं ट्रेनिंग मैप में भैया। अब यहाँ से गन निकालता हूँ मैं, ये GAT, ये रही GAT, और इसमें पड़ेगा सिर्फ मैगजीन, ठीक है। अभी 15 गोली लग रही है, अभी 3 की मैग डाल देते हैं, इसमें 3 ही मिलेगा ना। 21 गोली आ गई, ठीक है गाइस। अब वो रेंज की बात हुई थी गाइस, तो बॉडी डैमेज देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है। देखो यार एक MP43 गोली फार्मर जैसा स्टाइल है, ठीक है। 21 का डैमेज है बॉडी डैमेज, ठीक है। हेड पड़ रहा है 115 का, ठीक है। अच्छा OP है, ठीक है। खोपड़ी खोलते OP बोलते, 15 का लेग पे है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, जितना बंदा है ना यार, उसको एक की वेस्ट और एक का हेलमेट पहना लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो यार पहले राउंड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और GAT पहले दूसरे राउंड तक ही चलती है। 14 हेड पड़ा कितने का, 77 का, और पैर पे सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 2 की वेस्ट, 2 का हेलमेट और 2 की वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 63 का, ठीक है, 63 का हेड है और बॉडी आ गया डेल्ट बॉक्स, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस बिटवीन हो गया। अब 3 का तो छोड़ ही दो और 4 का लगाऊंगा नहीं, क्या 4 में क्लैश करना। 49, ठीक है, हेड 3 के वेस्ट पे और 3 के हेलमेट पे, और 7 बॉडी डैमेज भाई। अभी दूर से मारूंगा तो क्या होगा, वो भाई बॉडी तो मारना ही बेकार है भैया। देखो यार ये गन की रेंज अच्छी है, ठीक है। तो अभी देखो यार नॉर्मली अगर लिया जाए तो एक की वेस्ट मिलती है तो नहीं रहती है, ठीक है। तो 14 का है, 77 का हेड है, और यहाँ पर हम लोग MT कर देंगे, ठीक है गाइस, और इसको गैप कर देंगे। तो यही होता है 15 15, ठीक है, 21 और 115 का हेड। और यहाँ पे देखो यार काफ़ी अच्छा रेंज है, अभी भी 21 लग रहा है। मैं कितना दूर जा रहा हूँ यार, ये देखो 20 का डैमेज, मतलब जो रेंज प्लस है ना वो बहुत OP है गाइस। देख लो यार इतना मार रहा हूँ ना फिर भी अच्छा है। अब यार मुझे पता है यार ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा, अब 2-4 हेड मार के इतना दिखाए तो मज़ा नहीं आएगा यार, ठीक है। तो आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग में मैप में पाजी, चलो यार मौज करते हैं, उसके बाद पूरा आपको समझा देता हूँ।
यार मुझे पता था यार, जब तक तुमको एक पूरा गेम प्ले और रिव्यू और पूरा अच्छे से तुम सहमत नहीं होते तब तक ये वीडियो तुमको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग हेड मारने का ट्राई करेंगे और देख लो यार, यार ये ट्रेनिंग मैप है भाई। तो यहाँ पे सब लोग ने दो कवच दो की हेलमेट पहन के रखी है और यहाँ पे यार मैच शुरू हुआ नहीं कि लोग टीमिंग करने आ गए। क्या करेंगे यार, लेकिन हम नहीं करते हैं टीमिंग, तो यार सॉरी ब्रो जो भी टीमिंग करने के लिए आया था। ठीक है तो यार अभी हम लोग क्या करेंगे यार, थोड़ा हेड वोड मारने का कोशिश करेंगे। तो वही है यार 73 का डैमेज, 10-12 का बॉडी डैमेज बिकॉज ऑफ वेस्ट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अनसंतुष्ट हो रहा था क्योंकि गाइज मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आपको मैं एक अच्छा गेम प्ले नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है तो फिर भी हम लोग ने अच्छा हेड शॉट मारने का ट्राई किया। भाई GAT है भाई, क्या ही गेम प्ले बनाऊँ, लेकिन जो भी बनाने की कोशिश है यार ट्राई किए अपना बेस्ट। इसी बात पर यार लाइक वाइक मारो यार। ठीक है तो मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुआ, तो हमने फिर से डिसाइड किया कि नहीं यार हम लोग एक क्लैश स्क्वाड खेलेंगे और उसमें आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यार और मैंने ये भी डिसाइड किया कि गाइस मैं पूरे चारों के चारों राउंड सिर्फ GAT लेकर खेलूँगा। ठीक है बाकी और कोई गन का प्रयोग नहीं करेंगे। और मैं रैंडम के साथ गया था, कोई स्क्वाड नहीं लेके गया था मैं बोला चलो रैंडम्स के साथ खेलते हैं। ठीक है और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे मस्त डैमेज पड़ रहा था, 115 का हेड। और मैंने पूरे राउंड ऐसे ही खेलने का ट्राई किया गाइस, एक भी ऐसा राउंड नहीं है। तुम देख सकते हो यार ग्लू वॉल लिए हैं, नेट्स लिए हैं और बस खेल रहे हैं भाई ओपी तरीके से। बड़ा ही मज़ा आ रहा था ऐसे, एक सामने बंदा आया ग्लू वॉल लगाई और उसके बाद गए तो वॉकोंग बनाया और पट से हेड शॉट पड़ा और ग्लू वॉल लगा के फिर से। ठीक है अभी एक और बंदा बचा है, उसको भी हेड देंगे भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जा रे भाई आ जा रे, आ रही कट के जा रही भाई। आ ओपी है, पटाक से लगा 115 का हेड और यहाँ पे ख़त्म करने की। भाई ये देखो यार इसका नेटवर्क कितना लैग हो रहा है भाई, लेकिन वो दूसरे बंदे ने मार दिया। चलो यार हमने 3 राउंड सिर्फ GAT से खेल के कंप्लीट कर लिया भाई, एकदम कतई ओपी तरीके से। अभी लास्ट राउंड बचा है, लेकिन लास्ट राउंड देखना होगा फिर से GAT। अभी बंदे फॉर्म में आ गए होंगे भाई, क्योंकि आ ही जाएंगे ना, सीधी सी बात है यार भाई। GAT से ठोक रहा हूँ मैं और उनको क्रिमिनल देख के यार और मतलब ये हो रहा होगा तो उन लोग सोचेंगे ये मोटू मोट दिखाने का, लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन यार फिर से पूरा पैसा खर्चा करके ग्लू वॉल लेके आगे बढ़ेंगे यार रूपाली के नाम पे। है अबे यार रूपाली पनौती मत लगा देना यार, मैं मर और जाऊँ तो फिर क्या। तो गाइस यहाँ पे देख लो यार, मेरे हिसाब से गन पूरी ओपी है भाई, कुछ कहना नहीं यार, एकदम ओपी है। मैं बस GAT से खेल रहा हूँ, 3 राउंड निकाल लिए, मतलब तो समझ जाओ यार कितना ओपी गन स्किन है। कुछ भी माइनस नहीं यार, बहुत ओपी गन है, आपको निकालनी है तो फट से निकाल लो। और वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो जो लाल कलर का बटन है उसके साथ कबड्डी खेलो यार, चुम्मा ले लो, मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और क्या यार प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है भाई, 4 बज गए हैं, 4 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर दो।